एक प्रकरण है जो पंचायती पंचायत भी उस पर काफ़ी जोर दे रही है, खेल मंत्री और महिला कोच का प्रकरण है। जिस भी मंत्री या जिस भी नेता से सवाल करते हैं तो यही जवाब आता है चंडीगढ़ पुलिस जो इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। देखिए, ये इंक्वायरी का मामला है, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के पश्चात दूध का दूध पानी का पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आज यूनेक्स सनराइज ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन जो था बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष विज्ञान चंद गुप्ता ने वहाँ पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहाँ पहुंचे सभी खिलाड़ियों ने रोमांचकारी मुकाबले दिखाकर सभी का मन मोह लिया। वे बैडमिंटन के शानदार मुकाबलों पर लगातार वहां तालियां बजती हुई दिखाई दी। दर्शकों ने भी वहां जमकर मैचों का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वहां पहुंचे विभिन्न प्रदेश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल को खेल की भावनाओं से खेलें, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि किसी खिलाड़ी की इसमें हार भी हुई है तो वह अपना मनोबल कम न होने दे। वहीं विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनके साथ एक छाया चित्र लेने का भी काम किया। ज्ञानचंद गुप्ता का वहां पहुंचने पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वागत किया गया। वह हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन ने सभी का आभार भी जताया। देखिए, आज बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन कार्यक्रम यहां पर हुआ और पिछले लगभग 7 दिनों से ये कार्यक्रम बड़े निर्बाध तरीके से यहाँ पर चल रहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे देश से लगभग 1100 खिलाड़ियों ने इस प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग लिया और जिस प्रकार से हमारे जो खिलाड़ी हैं अपनी तन्मयता से अनुशासन में रहते हुए ये खेल को खेला, मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और उन खिलाड़ियों को जो यहाँ से जीत हासिल करके जा रहे हैं, मेडल लेकर के जा रहे हैं, विशेष तौर पर उन खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे खिलाड़ी आज पूरे देश का जो ये टूर्नामेंट हुआ है वो जीत कर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मेरी ये कामना है कि वो खिलाड़ी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करें और देश के लिए वो मेडल लेकर के आए। आज जिस प्रकार से यहाँ की आयोजन समिति ने इन खिलाड़ियों के खेलने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इस एकेडमी के सभी जो आयोजक हैं, इस एकेडमी के जो चलाने वाले हैं, राकेश जी और उनकी मिसेज जो दिन रात मेहनत करके एकेडमी के अंदर जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही ट्रीट करके उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं, उनको खेल भी सिखा रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश खेलों की दृष्टि से पूरी भारत के अंदर नंबर 1 का प्रदेश जो है वो बन करके उभरा है। उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे खेल मंत्री और सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने खेलों को प्रमोट करने के लिए खिलाड़ियों को इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं, इतना अच्छा प्रोत्साहन राशि दी है जो पूरे देश में शायद कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए का इनाम, ओलंपिक के अंदर
सिल्वर मेडल के खिलाड़ियों को 4 करोड़ का इनाम और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 2.5 करोड़ रुपए का इनाम। उसके साथ साथ प्रोत्साहन राशि जो समय समय पर खिलाड़ियों को उनकी डाइट के लिए, उनके खेलने के लिए दी जाती रही। उसके साथ साथ जो जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो खेल है वो हरियाणा में बहुत आगे बढ़ रहा है। और जिसका परिणाम ये है कि अगर देश के अंदर जितने मेडल खेलों के अंदर जीत करके आते हैं उसका 1/3 हिस्सा हरियाणा प्रदेश का होता है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। अभी आपने कहा कि हरियाणा का 1/3 हिस्सा जो खेलों में आता है उनको आपने बधाई भी दी है, खेल मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी। हाँ। एक प्रकरण है जो पंचायत भी उस पर काफ़ी जोर दे रही है। हाँ। खेल मंत्री और महिला कोच का प्रकरण है। जिस भी मंत्री या जिस भी नेता से सवाल करते हैं तो यही जवाब आता है चंडीगढ़ पुलिस जो इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। देखिए, ये इंक्वायरी का मामला है, इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के पश्चात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मामले में खाप पंचायतों ने कहा है कि 26 जनवरी को संदीप सिंह को तिरंगा नहीं। देखिए, ये सरकार का विषय है और तिरंगा हमारे देश की मान सम्मान है, देश की आन है, और तिरंगे के प्रति हम सबका सम्मान जो है वो बना रहना चाहिए। आगामी बजट सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, बजट सत्र को लेकर के जैसा अभी अपने शीतकालीन सत्र के अंदर देखा कि हमारी विधानसभा पूरी तरह से ई विधानसभा बन चुकी है। नेशनल ई विधान के माध्यम से अब की बार इस बात की हमें खुशी है कि 98% कागज की बचत हमने की है, और जो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे पहली विधानसभा है जिसने ई विधान को लेकर के इतनी सक्रियता से काम किया है, और हमने 1 साल के अंदर ये अपना संकल्प को पूरा किया। सर, ई टेंडरिंग को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू से ही कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में रहे। किसी भी काम के अंदर जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना काम वो अच्छा होगा, और ये जो सरकार का निर्णय है मैं समझता हूँ कि काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए ही लिया गया है। जहाँ तक पंचायतों की ताकतों की बात है, हमारी सरकार आने से पहले, ये सरकार आने से पहले पंचायत को केवल 10 लाख रुपये का खर्च करने का अधिकार था। आज इस सरकार ने सरपंच के पास 25 लाख रुपए की ग्रांट दी है, और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार गांवों के विकास की दृष्टि से फंड्स के लिए कोई कमी नहीं आने देगी।